जैसा कि हम सब जानते हैं 28 जुलाई 2023 को इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से एक नया साल शुरू हुआ जो है 1445 हिजरी, और इसी के साथ इस्लाम का फर्स्ट मंथ मुहर्रम भी शुरू हुआ। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इस्लामिक कैलेंडर के ओरिजिन की, वो कब क्रिएट हुआ, कब इस्टेब्लिश हुआ और उसकी टाइमलाइन कहाँ से शुरू होती है, उसमें कितने मंथ्स हैं और मुहर्रम के 10 डे की क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, इस्लामिक कैलेंडर का ओरिजिन। इस्लामिक कैलेंडर जो है वो जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंपेनियंस के साथ मक्का से मदीना की तरफ माइग्रेट करा उन्होंने और फर्स्ट उम्मा क्रिएट करी, जब से इस्लामिक कैलेंडर की टाइमलाइन शुरू होती है। तो इस्लामिक कैलेंडर की टाइमलाइन ऐसी क्यों रखी गई? तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि जब हमारे नबी करीम से उनके सहाबा करीम जो कंपेनियंस हैं उन्होंने पूछा कि क्या हमें अपना कैलेंडर, क्योंकि अब एक रिलीजन क्रिएट हो गई है तो हमें अपना कैलेंडर बनाना पड़ेगा, और वो कैलेंडर ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह क्राइस्ट से बर्थडे से जो शुरू होता है वैसे बनाना चाहिए या जो अलग अलग रिलीजन हैं उनके जैसे बनाना चाहिए। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस दिन से हमने माइग्रेशन शुरू करी थी मक्का से मदीना के लिए, उस दिन से हम इस्लामिक कैलेंडर को स्टार्ट करेंगे। तो जो फर्स्ट जो ये है मुहर्रम में वो माइग्रेशन स्टार्ट करी और फिर वो मदीना पहुँचे। तो इस्लामिक कैलेंडर में कितने मंथ हैं? इस्लामिक कैलेंडर में 12 मंथ हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर की तरह, जिसमें पहला है मुहर्रम, दूसरा है सफ़र, तीसरा है रबीउल अव्वल, चौथा है रबीउस सानी, पाँचवा है जुमदुल अव्वल, छठा है जुमदुस्सानी, फिर सातवां है रजब, आठवां शावान, नवां रमज़ान, दसवां शव्वाल, ग्यारहवां जुलकदा और बारहवां जिलहज। इसमें 4 महीने इम्पॉर्टेंट है। पहला है मुहर्रम जो है मंथ ऑफ रिमेम्बरेंस, और इसमें 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जो वीडियो के आगे मैं बताऊँगा। दूसरा है शाबान जो रमज़ान से पहले आता है, ये एक और इम्पॉर्टेंट मंथ है। तीसरा है रमज़ान जिसमें मुस्लिम्स फास्ट करते हैं, और चौथा है ज़िलहज जिसमें मुस्लिम्स पिलग्रिमेज करते हैं और हज पे जाते हैं मक्का। और बात करते हैं अब मुहर्रम में जो 2 इंसिडेंट्स हुए थे उनके बारे में। तो जो इंसिडेंट्स हैं ये इस्लाम में वेली इम्पॉर्टेंट हैं, और मुहर्रम को जो 10वां दिन है उसे डे ऑफ अशुरा कहा जाता है, क्योंकि जो पहला इंसिडेंट है वो है मूसा अलैहिस्सलाम यानी कि मोसेस का, जब अल्लाह सुभानहू व तआला ने उन्हें फिरौन जो फैरो थे इजिप्ट के उनसे बचा के रिवर नाइल में, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी स्टिक मारी और रिवर नाइल स्प्लिट हो गए और वो वहाँ से बच के निकल गए और फैरो उसी में डूब के मर गया, तो उस डे को मूसा अलैहिस्सलाम ने फास्ट करा और मुस्लिम्स भी फास्ट करते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट इवेंट है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे उनके जो नवासे थे इमाम हुसैन, उन्हें यजीद ने एक जगह बुलाया और वहाँ उनसे जंग लड़के उनको असैसिनेट कर दिया। तो इस दिन एवरी मुस्लिम जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था यानी कि प्यार करता था और उनकी फैमिली से प्यार करता था, वो इस दिन पे मौन करता है और उन्हें रिमेम्बर करता है और उनके लिए दुआ करता है। और ये माना जाता है कि आसमान भी उस दिन रोता है और उस दिन प्रॉबली बारिश होती है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने रिश्तेदारों, फैमिली, फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करें, और अगर वीडियो में कोई गलती हुई तो ज़रूर कमेंट करके बताएँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। Thanks for watching.